न्यूज खबरों की नई पहचान। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ धनवाद कल्याणचल में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है। आज अस्तचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन के वजह से कई छठ व्रतियों ने सार्वजनिक जगहों पर जाने के बजाय घर के बाहर बनाए गए कृत्रिम पोखर में ही भगवान भास्कर को अर्घ देने का विधि विधान संपन्न किया। छठ घाट पर मौजूद लोगों ने भी सोशल डिस्टेंस का पालन किया और लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर दूर से ही भगवान भास्कर को अर्घ देती हुई दिखाई दिया एवं भगवान भास्कर को प्रणाम किया। जिन घरों में छठ व्रत मनाई जा रही है उनके अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार और अधिक ना हो, उनके गांव तक ना पहुंचे और देश और दुनिया से जल्द यह वायरस खत्म हो, यही कामना इस बार तमाम छठ व्रती कर रही है ताकि इस बार फिर से लोग सुकून की सांस ले सके। जय भैया यार जी जल्दी जी सुन जाओ इस बार किस तरह से छठ व्रत मनाया जा रहा है आपके घर में? इस बार बहुत कम खर्च में और बहुत कम संसाधनों के साथ छठ मना रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस को लेके कोई भी सामान जो छठ व्रत के संबंधित सामान था मिल नहीं रहा था, जैसे कि आपका हल्दी होता है जो कच्चा हल्दी होता है गाछ वाला, वो हल्दी नहीं मिला और अदरक नहीं मिला, वो सब आया ही नहीं मार्केट में, तो जो नहीं मिला उसको नहीं लाए, जैसे भी हो सकता है कम से कम में हम लोग मनाने का प्रयास किए।